जी राय साहब जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ, जहाँ से मेरे सोर्स थे, हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए हुए जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसहरा वाले सीट हार गए हुए, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, क्लोज दिखाइए, NA15 मानसहरा, ये शहजादा मोहम्मद गुस्ताखब खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे, और ये देखते जाइए कि पेपर है कितने, आप ये देखते जाइए, ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर्स हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए, वो रिकॉर्ड डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए, जो यहाँ पर स्टाफ था वो तो कहना आगे स्टार्ट हो गया, हमें तो अभी 2 घंटे पहले ऑर्डर आया और हमने ये छापने शुरू कर दिए। हालांकि बैलेट पेपर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान का, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता। टिप आई थी, टिप के ऊपर काम करते यहां पर पहुंचे तो आगे जनाब बिल्कुल ये दिन दिहाड़े यहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन हार चुके हुए NA15 मानसहरा का, उसका जनाबे वाला यहां पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। और ये आपकी और मेरी जमहूरियत है। और अभी 15 पे कॉल कर दी है, पुलिस आती है तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वो इधर ऊपर करो, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए क्या छाप रहे हो, क्या नाम क्या आपका, कमाल नाम क्या भाई, दास भाई दास, दिखाएं जी, ये दिखाएं जी, कैमरा इस तरफ, कैमरा ऊपर करें, NA15 मानसहरा, अच्छा जी, ये जी बैलेट पेपर है NA15 मानसहरा के, कौन कौन से छप चुके हैं, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मोहम्मद हारून साहब का, बाकी कहाँ छपे, कटो भी कटो था, ये पकड़े जी, अभी भी इलेक्शन हो चुका हुआ और उसके साथ साथ इलेक्शन के बाद जनाब कितना बैलेट पेपर जनाब लक्ष्मी चौक जनाब अस बैलेट पेपर फाड़ लेने, हाँ जी जनाब, अब देखो गुस्ताखब खान जहाँ से नवाज शरीफ साहब हार चुके हुए और ये नवाज शरीफ साहब NA15 मोहम्मद नवाज जमहूरियत का ये आलम है नवाज शरीफ।